नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आज हम अभ्यास 2C जो है उसको हल करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में मैंने आपको अभ्यास 2B यानी जो 2B अभ्यास है उसको हल करा दिया है, उसको पढ़ा भी दिया है, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं और अभ्यास 2B को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अभ्यास 2B के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर इस अभ्यास प्रश्न को यानी इस एक्सरसाइज को हल भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं या उससे किस किस तरह से हम उसमें गुणा कर सकते हैं, एक से गुणा करने पे क्या होता है, शून्य से गुणा करने पे क्या होता है, और दो संख्याओं का अगर अदला बदली करके गुणा किया जाए तो क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे कोई संख्या है, जैसे आपने देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी जो संख्याएं हैं, ये जो अनंत तक संख्याएं मिलेंगी हमें, ये सब क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 और 2 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा, और अगर 2 गुणे 3 कर दिया जाए तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। यानी संख्याओं की जगह अगर बदल दी जाए, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ 3 यहाँ आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, तो संख्याओं की जगह अगर बदल दी जाए तो उससे गुणा पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी उत्तर जो आएगा गुणा करने पे वो समान आएगा, सिर्फ संख्याओं की जगह अगर बदली जाए तो ऑपरेशन वही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम शून्य का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, जैसे 1 हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, 1 गुणे 0 कर दें तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करने पे 0 आता है, और अगर किसी भी संख्या का गुणा 1 में किया जाए, जैसे 1 गुणे 8 तो क्या आएगा, 8 आएगा, या 8 गुणे 1 कर दें हम, 8 गुणे 1 कर दें तो क्या आएगा, तो भी हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो 1 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें या किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो हमारी वही संख्या उत्तर में प्राप्त होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे जान लिया कि गुणा करने के क्या क्या नियम हैं, ठीक है। अब संख्या रेखा पर हम गुणा कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए तो संख्या रेखा पर हम गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया गया है 2 गुणे 4, ये हमको हल करना है। तो क्या करेंगे हम, ये संख्या रेखा बनी हुई है, अब 0 से देख रहे हैं यहाँ 12 तक संख्या रेखा बनाई गई है, तो यहाँ पर हम 2 दिख रहा है, 2 का गुणा करना है 4 बार, 2 का गुणा करना है 4 बार, कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 4 बार करना है। तो पहली बार हम 2 तक गए, इसके बाद फिर अब 1, 2 हमारा पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इस वाले 2 को गिनेंगे तो फिर 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया 4 पे, ये वाला 2 पूरा हो गया, इसके बाद अगले 2 के लिए फिर 2 अंक आगे जाएंगे हम, ये भी पूरा हो गया, अब आखिरी वाला 2 इसके लिए फिर 2 अंक आगे जाएंगे, ठीक। अब टोटल आप गिनेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8, यानी 2 और 4 का गुणा करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो संख्या रेखा पर हम गुणा इस तरह से करते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाला सवाल आप खुद से करेंगे, यहाँ भी एक सवाल है, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए ये वाला मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या करना है, 5 का गुणा 2 बार करना है, यानी क्या करना है, 5 का गुणा 2 बार करना है, यानी 5 गुणे 5, 5 का गुणा 2 बार हो गया। तो पहली बार हम क्या करेंगे, 0 से लेके 5 तक गए, ठीक है, तो 1, 5 हमारा कंप्लीट हो गया, 1, 5 बचा है, तो 5 से हम फिर 5 बार गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से उठ के हम 10 तक आ गए, यानी 2 बार 5, 5 संख्या हमने पूरी कर दी, ठीक। तो उत्तर में क्या आया हमारा, आप टोटल देखेंगे तो टोटल में आपको आखिरी अंक मिल रहा है 10, यानी 10, 2 बार 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पूर्ण संख्याओं का गुणा अगर पूर्ण संख्या में हो रहा है तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो भी पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणा करने के कुछ नियम यहाँ पे देख लिए, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 × 5 लिखा है, तो ये कितना होता है 15। 3 और 5 का गुणा करने पे 15 आता है। अगर लिख दिया जाए 5 × 3, ठीक, तो भी क्या आएगा, तो भी आएगा 15 ही। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 आगे था और यहाँ पे हमने 3 को पीछे कर दिया, लेकिन गुणा करने पे उत्तर हमारा वही आ रहा है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि संख्याओं की जगह आगे पीछे कर देने से, जिसको हम क्रम विनिमय कहते हैं, ठीक है, तो आगे पीछे कर देने से गुणनफल समान होता है, गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, 0 से किसी संख्या में गुणा करने पे 0 ही प्राप्त होगा। 0 से 0 में गुणा किए तो 0 आया, 0 से 2 में गुणा किए तो 0 आया। यहाँ पे हम इसको क्या 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 में 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 में किसी भी पूर्ण संख्या से हम गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी गुणन का तत्समक अव्यय। यानी इससे क्या, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक जीरो, तो देखिए 1 × 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, लेकिन इसके बाद 1 में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1 में 1 से गुणा किए तो 1 प्राप्त हो गया, 1 × 2 करेंगे या 2 × 1 हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2। 1 × 3 करेंगे या 3 × 1 लिख सकते हैं हम इसको, तो क्या प्राप्त होगा, 3। यानी 1 में जिस संख्या से भी गुणा होगा वही संख्या हमें उत्तर में प्राप्त होगी। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है सहचर्य का प्रगुण। सहचर्य का प्रगुण क्या होता है, देखिए सहचर्य का प्रगुण मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 × 2 × 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 ( 3 ये भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये तीनों संख्याओं का जो भी उत्तर आएगा ये बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गुणा का या गुणन का सहचर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा ना पहली संख्या मान लिए 1 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। चलिए आगे देखते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। अब देखिए योग, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण कैसे करते हैं। देखिए योग पर वितरण का मतलब आप यहाँ देख रही है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए इसको मैं अभी नंबर में लिख के समझाऊंगा। क्या है, पहली संख्या गुणे ब्रैकेट के अंदर दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ये देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर धन देखिए यहाँ पे बीच में था, यहाँ इस जगह पे था धन, यही धन उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, यानी यही पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। अब हल कैसे करेंगे, देखिए हल करने के लिए यहाँ पे मैं एक सवाल लिख के हल करके बताता हूँ। जैसे लिखा है 2 × 1 + 3, ये है, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 1 यहाँ पे लिख देंगे, 2 × 1, ठीक हो गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये धन है, इस धन को बीच में लगा देंगे, इसके बाद फिर इसी 2 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3, इसी को हल कर दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूले में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप देख के बता सकते हैं कि सही है कि नहीं, नियम मैंने आपको बता दिया, तो एक बार प्रयास जरूर करिएगा। यही प्रक्रिया घटाने में भी होगा, अभी ऊपर हमने देखा इस जगह पे प्लस था लेकिन यहाँ पे घटाना है, तो सारी चीज़ें वही होंगी, बस यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, घटाना, ऋण आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही प्रक्रिया है। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे, जो अभ्यास यानी 2C का एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 प्रश्न
में कई सारे प्रश्न हैं, ये सारे हल करने हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका हल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में क्या था, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्या था, 4, 6, 8 गुणे शून्य। तो किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए ये इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस संख्या में अगर एक से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, तो एक से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी ये हमको दिया है, इसका योग प्रगुण का नियम लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × 2834 एक ब्रैकेट में कर देंगे गुणे 25, ये सहचर के नियम से हो जाएगा हमारा। इसके बाद 2834 × 4 एक ब्रैकेट में, देखिए अब 4 यहाँ पे आगे था, यहाँ पे हमने 4 पीछे कर लिया, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। तीसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, 2834 गुणे और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 4 × 25, इसको भी हम सहचर का नियम कहते हैं। और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2834 00, ठीक, 2834 00 ये आएगा हमारा उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 6 5 8 × 8 0, इसको भी हम उसी तरह से इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे सहचर्य का नियम लगेगा। इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ पे क्रम विनिमय हो जाएगा, क्योंकि 5 आगे था, यहाँ पे हमने 5 पीछे कर दिया। इसके बाद इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ भी सहचर्य नियम होगा, और जब पूरी तरह से हल करेंगे तो हमारा 2 6 3 2 0 0 ये आएगा उत्तर। इसी प्रकार से 25 × 4 8 3 7 × 4 0 इसको हल करेंगे, तो सेम जैसे हमने ऊपर के प्रश्नों को हल किया है वही तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से हम क्या लिख देंगे, 25 × 4 8 3 7 × 4 0 ये है सवाल। तो इसमें पहले हम इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो गया सहचर्य का नियम, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम आगे पीछे कर दें, यानी 4 8 3 7 × 25 × 40 इसको एक ब्रैकेट में कर दिए तो क्रम विनिमय हो गया। इसके बाद 4 8 3 7 × 25 × 40 तो 25 और 40 को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो ये भी हमारा सहचर्य का नियम होगा, और हल करने पे हमारा क्या आएगा, 4 8 3 7 0 0 0, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या करना है, यहाँ पे हमको दिया है इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे एक तरीका है हल करने का, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हल कैसे कर रहा है, देखिए आप यहाँ पे 4 8 7 × 1008, ठीक, ये देख रहे हैं एक संख्या है। तो आप देख रहे होंगे अगर हम 1000 में 8 को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 1008, यही संख्या आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को अलग अलग लिख देंगे, 1000 अलग कर देंगे, 8 अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1000 + 8, ये लिख दिया। अब आपको ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, इस तरह का प्रश्न हमने अभी ऊपर हल किया था। तो देखिए कैसे हल करेंगे, अब क्या करेंगे हम, इसका गुणा कर देंगे इसमें और इसी का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक, और उसके बाद दोनों का गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसको जोड़ देंगे। सेम वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे की है, इसको कहते हैं वितरण का नियम। यहाँ पे गुणा हुआ प्लस ये गुणा हुआ, अब इसको जब हल करेंगे गुणा करके तो हमारा आएगा 4 9 0 8 9 6, ये हो जाएगा उत्तर। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसी तरह का एक सवाल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 998 × 436 है। अब देखिए 998 किसके नज़दीक आता है, ये होता है 1000 के पास ही आएगा। अगर इसमें से हम 2 घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 998 प्राप्त होगा ना, देखिए यही संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम इस संख्या को लिखेंगे इस रूप में, 1000 - 2,
यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 माइनस 2 गुणे 436। वितरण का नियम यहाँ भी लगा देंगे, तो वितरण का नियम लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो पहले 436 गुणे 1000 ये हमने लिख दिया, माइनस 2 गुणे 436 गुणे 436 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 435128 ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, 6754 गुणे 94, तो 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 6, तो 100 माइनस 6 हमने लिख दिया इसको। अब वितरण का नियम यहाँ भी लगा देंगे तो 675 गुणे 100 हो जाएगा, माइनस 6754 गुणे 6, यहाँ पे देखिए 6754 गुणे 100 माइनस 6754 गुणे 6 वितरण के नियम से होगा। इसको हल करेंगे तो हमारा 634876 आएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 26478 गुणे 106। अब यहाँ पे 106 है, यानी 100 में 6 को जोड़ दिया जाए तो हमारा 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2647 ये तो हमको दिया है, 106 को हमने क्या लिख दिया, 100 प्लस 6, तो 100 प्लस 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर हम वितरण का नियम लगा देंगे तो 26478 गुणे 100 प्लस 26478 गुणे 6, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2806668, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से हम इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को हमने हल किया। अगर कहीं कोई दिक्कत हो आपको, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो साथी हैं, जो क्लासमेट हैं, वो भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।